खबर मधेपुरा बिहार से है, जहां पर पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का फैसला रद्द कर दिया था। इसके बाद शुक्रवार को युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मधेपुरा में आक्रोश मार्च निकाला गया। इसका नेतृत्व युवा राजद जिलाध्यक्ष अनिता कुमारी कर रही थी। कला भवन परिसर में यह शुरू हुआ। आक्रोश मार्च कलेक्ट्रेट होते हुए बीपी मंडल चौक पर समाप्त हुआ। वहाँ राजद नेताओं ने 65% आरक्षण रद्द करने वाले फैसले की प्रतियां जलाकर प्रदर्शन कर विरोध जताया। जिलाध्यक्ष अनिता कुमारी ने कहा कि भाजपा के लोग घोर आरक्षण विरोधी हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि इस बार भाजपा जीतेगी तो मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, और वही हुआ। यह साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी के रहते संविधान भी अब सुरक्षित नहीं है। कि 30 जून 2024 को पटना उच्च न्यायालय के द्वारा षड्यंत्र करके जो आरक्षण था 65% बहुजनों को मिला था, याद करिए, मात्र 17 माह के तत्कालीन महागठबंधन की सरकार के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव के अथक प्रयास से जो जातिगत सर्वे कराए गए, जातिगत सर्वे कराए जाने के बाद यह महसूस किया गया कि जो एससी एसटी ईबीसी ओबीसी के लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सचमुच आरक्षण का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। और तब फिर आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कठिन परिश्रम के बाद आरक्षण के दायरा को बढ़ाकर 75% किया गया। उसी के जब से यह आरक्षण दिया गया तब से कौन लोग है पर्दे के पीछे, याचिकाकर्ता कौन है, आप पता करिए किस बिरादरी के लोग हैं। आखिर आप 10% को 10% और हम लोग 90% को मात्र 50%, ये कहाँ का न्याय है? देश में दोहरी नीति कब तक चलेगी? आखिर भारत को पुनः विश्व गुरु कैसे बना सकते हैं, यह बड़ा चुनौती है। डॉक्टर लोहिया ने कहा, बाबू जगदेव प्रसाद ने क्या कहा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, हम बाबू जगदेव प्रसाद और लोहिया जी, कर्पूरी जी और गांधी जी के सपनों को साकार जब तक नहीं करेंगे, अमन चैन से बैठने वाले नहीं है। इन सामंतवादी सोच के भाजपाइयों को कह देना चाहते हैं कि जब तक बिहार को पुनः 75% आरक्षण नहीं मिल सक जाता, तब तक हम लोग संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए तमिलनाडु के तर्ज पर पूरी मजबूती के साथ युवा राष्ट्रीय जनता दल के फौज को लेकर के आंदोलन करने का काम करेंगे। एक बात और कहना चाहते हैं, लालू प्रसाद कहते थे कि मोदी अगर इस बार आए तो आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण खत्म हुआ। और अब निश्चित तौर पर 100% आपको कह देते हैं कि संविधान भी अब हमारा सुरक्षित रहने वाला नहीं है। इसलिए हे देश के बहुजनों, जागो, और जो ललकारा है ये बहुजनों को आरक्षण खत्म करके उसको ईंट से ईंट बजा करके अपना जवाब देने का काम करो। इसी मिशन के साथ मधेपुरा की धरती पर श्रीमती अनिता कुमारी जिला अध्यक्ष युवा राजद मधेपुरा के नेतृत्व में आज का यह कार्यक्रम, इस फैसले को, जो कल फैसला आया, उस प्रति को जलाने का हुआ है। और हम लोग मजबूती से आगे भी यह आंदोलन करेंगे। हम संजीव कुमार, जिला प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता युवा राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा। देखिए, कल जो पटना उच्च न्यायालय में फैसला लिया गया है 65% आरक्षण को खत्म किया गया है, रद्द कर दिया गया है, उन्हीं के खिलाफ में आज हम लोग सभी युवा राष्ट्र जनता दल के सभी पदाधिकारी, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सबों ने मिल करके हम लोग अभी यहाँ पे उसी फैसले के विरोध में हम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रति को जला करके विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये फैसला जो है गरीब के अधिकार को मारा गया है। गरीब, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा जितना भी है, आदिवासी सबके हकों को मारने का काम कर रहे हैं, और ये बीजेपी जो है मिल करके षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। तो यही सब हम लोग को मंजूर नहीं है कि ये गरीब को हक को मारा जाए। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी जी गरीब के लिए लड़े हैं और सब दिन लड़ते रहेंगे। जब तक ये फैसला को अगर बदला नहीं गया तो हम लोग सब आगे भी इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। और इन्हीं के साथ मधेपुरा बिहार से आमिर आजाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।